सिंगरौली के चितरंगी में आजीविका मिशन एवं रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की जानी मानी कई कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। चितरंगी में आजीविका मिशन एवं रोजगार के तहत रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें ILFS, SIS, प्रगतिशील बायोटेक, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, विल्सन्स वर्धमान, LIC, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल रहीं। मेले में करीब 505 युवाओं का पंजीयन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं का चयन भी किया गया। चयनित युवाओं को जिला पंचायत CEO के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उधर कुछ बेरोजगार युवाओं में मेले की जानकारी पहले से नहीं देने को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। इसके साथ ही कई स्थानीय कंपनियां भी इस मेले में शामिल नहीं हुई। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष रश्मि सिंह, जिला पंचायत CEO साकेत मालवी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे, जिसकी वजह से शायद हमारे CEO साहब ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे कल ही रात को हुई। इसका मुझे अफसोस है कि इसकी जानकारी लेट आई, जिससे हमारे समस्त ग्राम पंचायतों में इसकी सूचना नहीं दी गई और हमारे ग्राम पंचायतों के बच्चे यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए। मैं सभी कंपनियों के काउंसलरों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपनी कंपनी मेरे जनपद चितरंगी में लेकर आए। मैं अपनी जनपद की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।